Hello students, for NEET we are going to start with human physiology unit and the chapter which we are going to do is digestion and absorption. Okay, so let's get started. Okay, so starting with the first question. Okay, so the first question is hydrolysis of phospholipids yields. See, phospholipids है क्या basically? Phospholipids are types of lipids only. हमारा lipids किसका बना हुआ होता है? Glycerols and fatty acid. तो जब आप lipids का breakdown करोगे, मतलब lipids को तोड़ोगे, तो वो किसमें टूटेगा? Glycerols and fatty acid. But यहाँ पे आपको दिया हुआ है phospholipids. तो आप phospholipids का breakdown करोगे, lipids से तो glycerol, fatty acids तो मिल ही रहे, right? But it is a type of phospholipid. Therefore, एक और चीज हमें मिलेगी, that is phosphoric acid. तो phospholipids का breakdown किया तो हमें क्या क्या मिलेगा? Glycerols, fatty acids and phosphoric group. तो ऐसा option है हमारा A. So, the answer is A. Okay. Okay, one more thing as an additional information you can keep that phospholipid है ना, phospholipid is important component of cell membrane. जो हमारा cell बना हुआ ना, जिसको हम normally plasma membrane बोलते हैं, so plasma membrane is basically phospho bilipid layer. Okay, ये याद रखना. Okay, तो moving to the next question. The food that gives more calories per unit mass of food. Okay, तो आपको यहाँ पे options दिया है protein, carbohydrate, fats and water. Water is anyways out of option. Proteins, carbohydrate and fats में से आपको याद रखना है हमें सबसे ज्यादा energy मिलती है fat से. प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, बट फैट हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम देता है. सो द ऑप्शन हियर इज सी, दैट इज फैट. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन दैट मिक्स विथ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सी, सबसे पहली बात तो डाइजेशन के लिए सिक्रीशन कहाँ कहाँ से आते हैं? सबसे पहला सिक्रीशन इज डन इन बकल कैविटी. बकल कैविटी में सिक्रीशन आता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज सलाइवा. ओके, उसके बाद सेकेंड सिक्रीशन होता है स्टमक में, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं. HCl एंड सर्टेन अदर एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक जूस. अब ये यहाँ पे बात की है इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में सिक्रीशन कौन कौन से है वो बेसिकली पूछना चाह रहे, राइट? सी, मेरा ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज सलाइवा निकला है. वी नो सलाइवा इज इन बकल कैविटी, यहाँ बात इंटेस्टाइन की कर रहा है. ओके, सो आई एम लेफ्ट विथ बी, सी एंड डी. ऑलराइट, चलो ऑप्शन बी देखते हैं. अब ऑप्शन बी में दिया है गैस्ट्रिक जूस. अभी बताया आपको गैस्ट्रिक जूस क्या है, सिक्रीशन फ्रॉम द स्टमक, पर यहाँ पे सिक्रीशन कहाँ की हो रही है? इंटेस्टाइन की हो रही है, राइट? तो इवन मेरा बी इज आउट ऑफ ऑप्शन. इफ यू सी, डी इज ऑल्सो गेटिंग एलिमिनेटेड बिकॉज वहां पे गैस्ट्रिक जूस निकला है, आई मीन रखा हुआ है. सो वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन सी. अब सी में क्या क्या है? बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस. प्लीज रिमेम्बर, बाइल क्या है? बाइल एक ग्रीन येलोइश फ्लूइड है जो लीवर में बन के आता है, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और पैनक्रियास से जितने एंजाइम्स आने वाले हैं वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. तो पैनक्रियास का सिक्रीशन और गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन एक कॉमन पाइप से इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है, जिसे बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. डक्ट इज समथिंग पाइप जैसा जो कुछ सिक्रीशन को लेकर आता है. ओके, नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल जूस. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी में टीएस ऑफ इंटेस्टाइन दिया है, तो जो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन में जो एकदम अंदर वाला लेयर है ना, दैट इज नोन एज म्यूकोजा. तो उस म्यूकोजा लेयर पे गॉबलेट सेल्स होते हैं एंड ब्रश बॉर्डर्स होते हैं. जो गॉबलेट सेल्स है वो सिक्रीट करता है म्यूकस, जो खाने को काफी स्मूथली इंटेस्टाइन से पास करवाने में हेल्प करता है. ओके, एंड जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम प्रो एंजाइम्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, न्यूक्लियज एक्सेट्रा. ओके, सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियली डाइजेशन मीन्स. सी, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसके ऑप्शंस आप देखो, काफी स्मार्ट ऑप्शंस है, एंड आई नो इसमें काफी लोग फंसे होंगे. सो सी, बेसिकली यहाँ पूछ रहे हैं आपको डाइजेशन का मतलब क्या है. सो ऑप्शन ए इज ब्रेकिंग ऑफ फूड फॉर एनर्जी. यस, डेफिनेटली हमें खाने से एनर्जी तो चाहिए, बट डाइजेशन का मेन एम क्या है? तुम जो खाना खाते हो, बॉडी उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाती है, राइट? बट जो बड़ी बड़ी चीजें
है हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, काफी बड़ी बड़ी चीजें. हमारी अगर तुमने खाया, हमारी बॉडी उसको एज इट इज यूज नहीं करेगी. आपकी बॉडी पहले उसका ब्रेक डाउन करेगी, मतलब बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ेगी, सो दैट तुम्हारी बॉडी अब इजिली उसको एब्जॉर्ब कर ले और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे. राइट, अब वॉटर हो गया, विटामिन हो गया, इसके लिए हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है. छोटी छोटी चीजें है ना, तो हमारी बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेगी. तो यहाँ पे डाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, सो दैट आपका बॉडी कैन इजिली एब्जॉर्ब इट एंड इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम इट. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क ऑफ HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस. अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस क्या है, सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक. राइट, तो जो HCl है उसका आपके स्टमक में काम क्या है? कन्वर्ट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन. यस, इट इज करेक्ट. जो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें HCl चाहिए होता है, दैट इज एसिडिक pH. तो ए इज डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट इज कन्वर्ट प्रो रेनिन टू रेनिन. यस एब्सोल्युटली. सी, जो बच्चे होते हैं ना उन, वो जनरली मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं. मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसे बोला जाता है केसिन. राइट, तो केसिन के डाइजेशन के लिए बच्चों में ये एंजाइम लगता है. ये भी एंजाइम जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे एक्टिव करने के लिए हमें HCl डेफिनेटली चाहिए. तो इवन ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड प्लीज रिमेम्बर, रेनिन इज ऑल्सो नोन एज काइमोसिन. ओके, नेक्स्ट, किल्स पैथोजन प्रेजेंट अलोंग विद फूड. एब्सोल्युटली. जो हम खाना खाते हैं, लेट्स से उसमें बाय चांस अगर कोई पैथोजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो एसिडिक कंडीशन में वो सारे जर्म्स जो है मर जाते हैं. सो बेसिकली सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टूगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल. वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग वाइल स्वॉलोइंग सम फूड. द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ. ओके, इसके पहले मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ. सी, हमारा जो पाइप सिस्टम है ना, एक रेस्पिरेटरी है और एक डाइजेस्टिव पाइप है. लेट से इस तरफ जो है मेरा है रेस्पिरेटरी पाइप और इस तरफ मेरा है डाइजेस्टिव पाइप. सो क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं ना, तो ये जो फ्लैप दिख रहा है आपको, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो बंद चालू हो सकता है. तो खाना जो हम खा रहे हैं वो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए. विंड पाइप इज बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो उसके लिए क्या होता है, जब हम खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, सो दैट खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए और अच्छे से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाए. सो बेसिकली दिस एपिग्लॉटिस इज प्रिवेंटिंग फूड टू मूव इनसाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक. राइट, तो क्या होता है, हम है ना खाना खाते खाते कभी कभी बात करते हैं ना, तो ये एपिग्लॉटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट होने लग जाता है, जिसकी वजह से खाना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी चला जाता है. तो कफिंग उस दौरान इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ताकि हम जो खाना हमारे विंड पाइप में गया उसे हम फोर्सफुली बाहर निकाल सके. दैट इज वाई द पर्सन इज कफिंग, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस. सो इसीलिए बोला जाता है खाते, जब हम खाना खाते हैं तो उस दौरान बात नहीं करना चाहिए. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव. सी, क्या होता है ना, हम जब खाना खाते हैं, खाने को हम एज मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अगर डिवाइड करें, इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड्स. राइट, हमारी बॉडी क्या करती है, इन सब खानों का है ना ब्रेक डाउन करती है. सो ड्यूरिंग दिस ब्रेक डाउन प्रोसेस लीवर में यूरिया जनरेट होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और उसको फिर किडनी के थ्रू भेजा जाता है और वो यूरिया यूरिन के थ्रू निकल जाता है. अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, वो जो पर्सन है वो बाहर से खाना नहीं खा रहा है. अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो बॉडी में किसी चीज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है. राइट, मतलब प्रोटीन, फैट्स, इन सब का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट नहीं होगा. राइट, तो दैट इज वाई ऐसा पर्सन जो सिर्फ पानी पे सरवाइव कर रहा है, उसके यूरिन में यूरिया की काफी कम क्वांटिटी मिलेंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ सी. सबसे पहले ये जो एंटेरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज इज एन एंजाइम, ये निकलता है इंटेस्टाइन से. जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा लेयर है ना, अंदर का एकदम लेयर, वहां से निकलता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम डियोडेनम. ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजेनिक एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ट्रिप्सिनोजेन को उसके एक्टिव फॉर्म में एस ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम ये एंटेरोकाइनेज करता है. फिर जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, वो बाकी सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है. सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन. अभी आपको जितने भी एंजाइम्स दिए हैं ना, ऑप्शन ए इज पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन. पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स हेल्प होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए. ओके, सो मेरा लाइपेज इज आउट ऑफ ऑप्शन, बिकॉज लाइपेज जो है वो लिपिड के डाइजेशन के लिए काम आता है. अब मिल्क में हमारे पास कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन, राइट. तो अब ये आपको ह्यूमंस में पूछा है, राइट. तो जो केसिन है बेसिकली अ प्रोटीन, सबसे पहले उस पे एक्ट करता है पेप्सिन. पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है इनटू सिंपलर पेप्टाइड्स. उसके बाद सिंपलर पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम ट्रिप्सिन करता है, काइमोट्रिप्सिन करता है, एंड कार्बोऑक्सीलेज, पेप्टिडेज, ये सारे एंजाइम्स कर देते हैं. तो प्रोटीन में इनिशियल स्टेप, मतलब जो स्टार्टिंग के स्टेप में कौन आ रहा है ब्रेक डाउन के लिए, पेप्सिन आ रहा है बेसिकली, राइट. सो पेप्सिन इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज पेप्सिन इज द फर्स्ट एंजाइम दैट इज यूज इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सी अभी यही क्वेश्चन को ना अलग तरीके से पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन्स के बजाय आपको पूछ लिया होता डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब बच्चों में. ओके, तब यहाँ पे आंसर हमारा आता रेनिन. क्यों? बिकॉज बच्चों में जो मिल्क प्रोटीन है उसमें डाइजेशन के लिए रेनिन आता है, एंड रेनिन एडल्ट्स में टोटली एब्सेंट होता है. ओके, सो इफ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क फॉर इन्फेंट्स, इट वॉज रेनिन. रेनिन क्या करता है, केसिनोजेन को कन्वर्ट करता है केसिन में, फिर फर्दर उसका डाइजेशन होता है. तो आई गेस शीट में इसका आंसर रेनिन दिया हुआ है, प्लीज वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लो. रेनिन हमारे में टोटली एब्सेंट होता है. क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला. सी डेंटल फॉर्मूला, डेंटिशन, ये सारी चीजें एसोसिएटेड है विद द स्टडी ऑफ टीथ. ओके, सो जो ह्यूमन है, ह्यूमन्स में टोटल टीथ होते हैं 32. अब वो स्टडी ऑफ टीथ को हम डिवाइड कर लेते हैं, आप ये लेट्स से अपर जॉ, ये लोअर जॉ, राइट. हमारे पास टोटल 32 टीथ है, 16 टीथ ऊपर के जॉ में है, 16 टीथ नीचे के जॉ में है. ओके, सो हम जो डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो आधे आधे पे है, इसके लिए हाफ दिस साइड हाफ दिस साइड. और लेट्स से अगर मैं लोअर जॉ की बात कर रही हूँ, तो मैं सारे टिप्स जो है उनको पेयर्स में लिखने वाली हूँ. तो हमारे पास सबसे पहला होता है टू पेयर्स ऑफ इंसिजर्स, फिर उसके बाद वन पेयर ऑफ कनाइन, फिर उसके बाद होता है टू पेयर्स ऑफ प्री मोलार्स, एंड देन थ्री पेयर्स ऑफ मोलार्स, राइट. तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा है, टू पेयर्स ऑफ इंसिजर, वन पेयर ऑफ कनाइन, टू पेयर्स ऑफ प्री मोलार, थ्री पेयर्स ऑफ, सो ऑप्शन इज बी. ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बी भी दो बार लिख दिया है, तो हमारा ऑप्शन इज सी, जो डी के पहले वाला है, दैट इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टूगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, सी दिस लीड्स टू इनडाइजेशन. इनडाइजेशन का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, सो वेन देर इज लैक ऑफ डाइजेशन वी हैव अ फीलिंग ऑफ फुलनेस. फुलनेस का मतलब क्या है, पेट है ना भरा भरा लगता है. ओके, एंड देर आर मेनी मोर रीजन्स ऑफ इनडाइजेशन. सबसे पहला है एंजाइटी. एंजाइटी इज बेसिकली अ मेंटल डिसऑर्डर, फियर होता है दिमाग में. दूसरा है फूड पॉइजनिंग, लैक ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस या फिर ऐसे सिक्रीशंस जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्पाइसी फूड हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, ये सारे रीजंस है जो इनडाइजेशन कॉज करते. ओके, ऑप्शन बी कह रहा है जॉइंडस. जॉइंडस में क्या होता है, बाइल स्टोर हो जाता है व्हेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ बाइल. डायरिया में क्या होता है, डायरिया में कंटिन्यूसली स्टूल पास होता रहता है, काफी लिक्विडिश होता है,
stool. Next is vomiting. Vomiting is forceful expulsion of food, right? Through esophagus. Okay, next question. Much developed larynx of human male is called. Okay, see, larynx is also known as voice box. और ये जो larynx है ये मेल में काफी अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है. दैट इज वाई यू कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी का जो एज है उसके बाद है ना, मेल्स में आवाज उनकी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, राइट? काफी हार्ड हो जाती है उनकी आवाज. दैट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ larynx. ओके, सो मेल्स में क्या होता है, लेट्स से ये लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स को एक टिश्यू नहीं, कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज ने पूरा ऐसे लैरिंग्स को कवर कर लिया है. ओके, दैट चंक ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज लैरिंजियल प्रोमिनेंस और इट इज ऑल्सो नोन एज अडम्स एप्पल. सो द ऑप्शन हियर इज अडम्स एप्पल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इज नॉट करेक्टली मैच विद द मॉलिक्यूल दैट इट ब्रेक डाउन. ओके, तो कौन सा एंजाइम किसके ब्रेक डाउन के लिए यूज होता है वो पूछा गया है. अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन के लिए डेफिनेटली. अमाइलेज जो है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. ओके, सो ये अमाइलेज उस पॉलीसैकेराइड का ब्रेक डाउन करता है इनटू डाइसैकेराइड. अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज स्टाइलिंग. लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, नो. लाइपेज जो है लिपिड्स के ब्रेक डाउन के लिए यूज होता है. सो वी हैव आवर आंसर, बाकी सब तो करेक्ट है. सो इट इज बेसिकली लाइपेज, बिकॉज लाइपेज इज ब्रेक किसको ब्रेक करता है, लिपिड को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वॉलन लिप, थिक पिगमेंटेड ऑफ पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड्स, लेग्स एंड इरिटेबिलिटी. ओके, सो दिस इज बेसिकली पेलाग्रा. पेलाग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, जिसको हम कॉमनली नियासिन भी बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली पेलाग्रा में क्या होता है, 3 D's को यूज किया जाता है. डरमेंशिया, दैट इज मेंटल डिसऑर्डरनेस. डायरिया, डायरिया में क्या होता है, कंटिन्यूसली वॉटरी एंड लूज स्टूल पास होता रहता है. एंड नेक्स्ट इज डर्माटाइटिस, जिसमें जो स्किन है उसके इन्फेक्शन होते हैं, वो काफी रेड एंड स्वोलन हो जाते हैं. ओके, सी पेलाग्रा को अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया ना तो इट कुड ऑल्सो बी फेटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन्वॉल्व्स, सी सबसे पहले ये वर्ड को हम समझ लेते हैं. ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनो स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजन एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. क्या होता है ना, अगर हमारे बॉडी को ना बाहर से खाने का सोर्स नहीं मिल रहा है, अब बॉडी को काम करने के लिए तो एनर्जी लगेगी, राइट? तो जो भी खाना हमारे बॉडी के अंदर स्टोर है ना, उसी का ब्रेक डाउन किया जाता है. एंड जनरली कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आता है, फिर उस ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल्स में स्टोर कर देते हैं. तो जब भी जरूरत पड़ती है हमें ग्लूकोज की, तो हम क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाते हैं. तो जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसका ब्रेक डाउन करेगी और उससे रिलीज करेगी ग्लाइकोजन. सो बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दैट इज शुगर. ओके, सो द ऑप्शन इज सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनामल ऑफ टूथ इज, सी सबसे पहली बात तो ह्यूमन का जो टिथ है और मैमल्स, इट इज नोन एज थीकोडॉन्स, बिकॉज हमारा जो टिथ है ना वो जॉ के अंदर रखा हुआ है. सो लेट्स से ये हमारा जॉ है और इसके अंदर ये मैंने टिथ डाला है, राइट? तो ये जो रीजन है ना, ये जॉ का रीजन जिसके अंदर हमारा टिथ है, ये अंदर एकदम अंदर का हिस्सा इज नोन एज पल्प. और वहां से सारे आर्टरीज एंड वेन्स गुजरते हैं. तो वही पल्प रीजन में है ना हमारे पास सेल्स होते हैं, टिथ के सेल्स, जिसे बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट. तो जो एनामल है वो रिलीज होता है फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय. ओके, सी सबसे पहली बात तो जब हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है ना, मतलब जब हमारी बॉडी को डाइजेशन करना है, तभी डाइजेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो तभी ही रिलीज होती है. सो लेट से डाइजेशन करना है, हमें पैनक्रियाटिक जूस की जरूरत है. तो पैनक्रियास को कैसे पता चलेगा कि उसको पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करना है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर चाहिए ना हमें जो स्टिमुलेट करता है.
तो सबसे पहला है गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है. इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. ये जो गैस्ट्रिन है ये एक्ट करता है स्टमक पे और स्टमक को स्टिमुलेट करवाता है टू रिलीज HCl एंड पेप्सिनोजन. ओके, नेक्स्ट है सिक्रीटिन. सिक्रीटिन इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. ये सिक्रीटिन क्या करता है, ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइकार्बोनेट एंड वाटर. ओके, नेक्स्ट है एंटेरोगैस्टेरॉन. एंटेरोगैस्टेरॉन इज रिलीज बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. सी, हमारा जो जब डाइजेशन चलता है ना तो हमारे स्टमक में काफी विगरस मस्कुलर मूवमेंट चलता है ताकि खाने को हम स्टमक से इंटेस्टाइन के थ्रू भेजे. राइट, तो ये एंटेरोगैस्टेरॉन है, इट इज रिलीज बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या करता है, ये स्टमक पे एक्ट करता है और जो स्टमक में काफी विगरस मस्कुलर मूवमेंट चल रहा है ना उसको ये बंद कर देता है या थोड़ा स्लो डाउन कर देता है. नेक्स्ट है एंटेरोकाइनेज. एंटेरोकाइनेज इज रिलीज बाय डुओडेनम. ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव ट्रिप्सिन होता है ना इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज ट्रिप्सिन. फिर ट्रिप्सिन सारे पैनक्रियाटिक हार्मोन, आई मीन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा. तो हमें यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेट कौन करता है वो पूछा है. राइट, सो द ऑप्शन इज सिक्रीटिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इज. सी, ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें एक छोटा सा कट लग जाता है ना, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, हम काफी टाइम तक ब्लीड नहीं करते, थोड़े टाइम बाद वो खून बंद हो जाता है बिकॉज वहां पे है ना क्लॉट्स बन गए हैं, फाइबर लग जाते हैं उस क्लॉट्स पे, सो दैट हमारा जो ब्लीडिंग है वो प्रिवेंट हो जाए. राइट, सो ब्लड कोएगुलेशन में टोटल 12 फैक्टर्स लगते हैं. ठीक है, ये 12 फैक्टर्स पूरे कैस्केड्स ऑफ प्रोटीन है. सो यहाँ पे ब्लड कोएगुलेशन में हमें जो विटामिन की जरूरत पड़ती है दैट इज विटामिन के. विटामिन के हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में. प्रोथ्रोम्बिन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटिशन इन मैन इज. डेंटिशन का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टीथ. एक्रोडोंट, होमोडोंट, आउट ऑफ ऑप्शन. थीकोडोंट, होमोडोंट, नो. थीकोडोंट, हेटरोडोंट, पॉलीथीकोडोंट, हेटरोडोंट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थीकोडोंट क्यों, बिकॉज हमारा जो टीथ है वो जॉ के अंदर है, दैट इज वाई थीकोडोंट. हेटरोडोंट क्यों, बिकॉज हमारे सारे टीथ एक जैसे नहीं है, हमारे पास अलग अलग शेप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर्स, कैनाइंस, मोलार, प्री मोलार्स, सबके शेप काफी अलग है. डाइफाइकोडोंट या डाइफायोडोंट क्यों, बिकॉज हमारा जो टीथ है हमारे लाइफ में वो दो बार अपियर करता है, एक ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एक एडल्टहुड में. जो चाइल्डहुड वाला टीथ होता है उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे फॉल ऑफ होने लग जाते हैं एंड उसके बाद वी हैव परमानेंट सेट ऑफ टीथ. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी. ओके, तो सबसे पहले सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी के साथ अटैच्ड है फॉर न्यूट्रिशन. ओके, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दो लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं और दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं. ओके, तो यहाँ पे पूछा है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहता है. तो अगर आप साइड में देखिए, मैंने एक पिक्चर डिस्प्ले किया है, उसमें यू कैन सी सीकम. राइट, तो ये सीकम जो है ना, इसका दूसरा नाम है ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक बिकॉज ये सीकम जो है नीचे से अपेंडिक्स में एंड हो रहा है जो कि खुला नहीं है, तो सीकम सिर्फ ऊपर से ही खुलेगा. राइट, तो सीकम इज द प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हालांकि ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उनका एसोसिएशन ह्यूमंस में इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखा जाता है रोमिनेंट्स में. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रास एंड सेल्यूलोज मटेरियल खाते. ओके, ह्यूमंस में नॉर्मली फ्यू पार्ट ऑफ डाइजेशन सीकम में होता है एंड यहाँ पे विटामिन B12 की सिंथेसिस भी होती है. सो हमारा ऑप्शन इज ए, दैट इज सीकम. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन फ्लो चार्ट शोज फेथ ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डाइजेशन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. आइडेंटिफाई द एंजाइम्स एक्टिंग एट स्टेजेस इंडिकेटेड A, B, C, D.
सो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या किया है, आपको है ना एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको पूछा है कि कौन से सबस्ट्रेट के लिए हमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है. ओके सो सबसे पहला, इफ यू सी द फर्स्ट ब्लॉक, इट इज स्टार्च. स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. पॉली का मतलब मैनी, सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट. तो बहुत सारे शुगर यूनिट है ना मिलकर एक बड़ा सा चेन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड. तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा है. अब स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, माल्टोज इज अ डायसैकेराइड. तो स्टार्च का ब्रेकडाउन के लिए हमें एंजाइम लगता है अमाइलेज. अमाइलेज कहाँ कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड में भी होता है और हमारा जो इंटेस्टिनल जूसेस है उसमें भी हमें वो मिल जाएगा. सो अमाइलेज क्या करता है? पॉलीसैकेराइड का ब्रेकडाउन इंटू डायसैकेराइड, दैट इज स्टार्च को तोड़ेगा इंटू माल्टोज. ओके अब ये माल्टोज है डायसैकेराइड. डाय का मतलब टू, सैकेराइड का मतलब शुगर. तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट्स और माल्टोज में दोनों शुगर यूनिट्स ग्लूकोज ही होते हैं. तो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करेगा? माल्टेज. ओके नेक्स्ट दूसरा शुगर है हमारा लैक्टोज. लैक्टोज इज ऑल्सो अ डायसैकेराइड. ये दो शुगर यूनिट का बना है, एक होता है उसमें ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज. तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन हम करेंगे इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. सो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए लैक्टेज. नेक्स्ट है सुक्रोज. सुक्रोज इज ऑल्सो अ डायसैकेराइड. सुक्रोज बना है एक फ्रुक्टोज यूनिट का, एक ग्लूकोज यूनिट का. ओके तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइट? तो सुक्रोज को आपको तोड़ना है, तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम लगेगा सुक्रेज. तो लेट सी द ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए जो था हमारा, ए वॉज अमाइलेज, राइट? तो मेरा ए अमाइलेज है सारा. बी हमारा क्या था? बी हमारा लैक्टेज था. सो बी इज लैक्टेज. आई हैव ऑप्शन डी, बाकी ए बी सी सब एलिमिनेट हो गए. सो द आंसर फॉर दिस इज डी. ओके नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही दे दिया है. ओके सो आपको ये पूछना क्या जा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सा रीजन है जो बाइल जूस को रिलीज करता है. अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं. बाइल जूस के लिए उन लोगों ने पक्का गॉल ब्लैडर को मार्क किया, विच इज रॉन्ग. बाइल जूस जो है उसे लिवर में सिंथेसाइज किया जाता है. गॉल ब्लैडर में सिर्फ उसे स्टोर करके रखते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. सो बेसिकली बाइल जूस इज रिलीज फ्रॉम लिवर ओनली. तो हमारा लिवर कौन सा है इसमें से? इफ यू सी, लिवर इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इंटेस्टाइन का ये टीएस दिया हुआ है एंड वो आपको पूछ रहे हैं कि जो मार्क्ड रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं. सो बेसिकली ये अंदर का हिस्सा है. इफ यू क्लियरली सी, दिस इज ब्लड कैपिलरीज, राइट? मतलब जो ये ब्लड सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी खाने का ब्रेकडाउन हो चुका है वो सारा एब्जॉर्ब होने वाला है ब्लड कैपिलरीज में. फिर ये ब्लड कैपिलरीज उन खाने को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाएंगे. देर वुड बी एसिमिलेशन, दैट इज यूजेज ऑफ फूड. सो द मार्क्ड रीजन इज बेसिकली टू कैरी ब्लड बिकॉज इट इज अ कैपिलरी सिस्टम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन अ टीएस ऑफ इंटेस्टाइन. अगर आप देखें जो फोर्थ रीजन मार्क किया है उन्होंने, दैट इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर लॉन्जिट्यूडनल मसल रीजन एंड फिर बाहर का हिस्सा होगा. सो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं वो लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विला. सो व्हेन यू सी टीएस ऑफ इंटेस्टाइन ना, आप देखोगे वहां पे विलाई रीजन होते, राइट? फिर देयर इज इनवेजिनेशन ऑफ एपिथीलियम टिश्यू. तो ये जो नीचे की तरफ ये हिस्सा जा रहा है ना, ये उसी को हम बोलते हैं क्रिप्स. और उसी क्रिप्स के अंदर है ना सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन करने का काम करते हैं. सो बेसिकली इफ देयर इज अ सिक्रीशन, डेफिनेटली हम उस रीजन को ग्लैंड्स ही बोलेंगे, राइट? सो ये ग्लैंड्स इन स्टमक एंड क्रिप्स आर बेसिकली फाउंड इन म्यूकोजा रीजन. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एंड मेसोथीलियम, ये बाहर का रीजन बना हुआ होता है जो वन मार्क्ड किया है ना, दैट इज द आउटर रीजन विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस बाय गार्डिंग
विच डक्ट? ओके सी, सबसे पहले तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस जिसमें सारे प्रोएंजाइम्स प्रेजेंट है एंड बाइल जो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है. तो गॉल ब्लैडर से बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस जो है ना एक कॉमन पाइप से आते हैं, उस कॉमन पाइप को हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. और ये जो पाइप है ना बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, इसको है ना डियोडेनम के अंदर डालता है. सो क्या होता है, जो कंटेंट है ना द कंटेंट विच इज फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड फ्रॉम पैनक्रियाज इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉमन पाइप दैट इज नोन एज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई उसी के अंदर प्रेजेंट होता है. ये स्पिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करता है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो. जो डियोडेनम के अंदर फूड का कंटेंट है ना वो बैक फ्लो ना हो जाए और बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस का प्रॉपर मूवमेंट के लिए ये स्पिंक्टर लगाया हुआ है. ओके, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसेंस स्पिंक्टर. ओके, सो हमारा इसमें ऑप्शन रहा, इसमें हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सा है. इफ यू सी द डायग्राम इट इज द थर्ड, द थ्री मार्क्ड रीजन इज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. सो देयरफॉर द आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टू डक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डक्ट दैट कैरी फ्रॉम बाइल. ये तो अभी मैंने बात की, वही है बाइल हमारा आता है गॉल ब्लैडर से एंड हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो है पैनक्रिया से आता है. ये दोनों का कंटेंट एक कॉमन पाइप के थ्रू ही जाता है जिसे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं. राइट, सी अभी मैं साइड में एक एनिमेशन डिस्प्ले कर रही हूँ, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ बाइल जूस इन दैट. ओके, सो फॉर दिस देर इज टू डक्ट्स, वन इज गॉल ब्लैडर का डक्ट और दूसरा इज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. तो आंसर शुड बी 4 and 3, दैट इज सी. The gallbladder is a small organ tucked under the liver. It is a small hollow pouch, about 8 centimeters long and 2.5 centimeters wide, and is connected to the liver and bowel by a series of tubes known as the bile ducts. The liver makes bile, which helps to break down fats from food. The gallbladder stores the bile until there are fats in the bowel that need digesting. Liver. A sphincter controls the release of bile into the bowel. Next, which of the following best describes the role of structure marked as Y in the figure? Okay, so ये esophagus है. Esophagus क्या है? It is a long tube जो खाना हम buccal cavity से stomach तक पहुंचाना है. So ये basically खाना हमारे buccal cavity से stomach तक जाता है via esophagus. अब वो कैसे move करता है esophagus में? Peristalsic movement होता है. Let's say ये कोई tube है लंबा सा, तो यहाँ contraction होगा तो इधर के muscle का relaxation होगा तो खाना आगे बढ़ेगा. फिर ये relax होगा, खाना थोड़ा move होगा. तो ऐसे continuous contraction एंड रिलैक्सेशन को ही हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट. सो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, सर्व्स अ माइनर रोल इन केमिकल, नो देयर इज नो केमिकल सिक्रीशन इन ईसोफेगस, सो ऑप्शन इज रॉन्ग. म्यूकस इज सिक्रीटेड टू प्रोटेक्ट ईसोफेगस, नो नॉट एट ऑल. वहां पे ऐसी कुछ जरूरत नहीं है कि हमें ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करना पड़े. So option B is also wrong. Digestive enzymes are secreted. No, there is no chemical, no enzyme, nothing released in esophagus. Esophagus ka bas khame kaane ko hamara buccal cavity se stomach te lekar hai. So connects mouth to the stomach and has no function exactly. So option D is the correct. ओके, नेक्स्ट टाइप हम जो करने जा रहे हैं दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन एंड रीजनिंग में क्या होता है, दो स्टेटमेंट दिया होता है, एक असर्शन एक रीजनिंग. तो हमें है ना चेक करना है कि वो असर्शन सही है या नहीं और वो जो असर्शन का वो रीजन दिया है वो सही है या नहीं. तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके ओके, सो फर्स्ट क्या है, असर्शन दिया हुआ है स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय टाइलीन टू माल्टोस. ये करेक्ट है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड और टाइलीन को ही हम अमाइलेज बोलते हैं. तो स्टार्च को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू माल्टोज यूजिंग अमाइलेज, तो असॉर्प्शन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट रीजन इज सुक्रेस हाइड्रोलाइजेस सुक्रोज टू लैक्टोज. वेल, ये असॉर्प्शन का करेक्ट रीजन नहीं है और अगर आप देखो तो रीजन भी गलत ही है, बिकॉज सुक्रेज एंजाइम है जो सुक्रोज का ब्रेक डाउन करता है इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो रीजन गलत है, असॉर्प्शन सही है. तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इफ असॉर्प्शन एंड रीजन आर ट्रू? हाँ, बट सी, बट इफ द असॉर्प्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम. असर्शन, प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यस एब्सोल्युटली. रीजन क्या दिया है? HCl किल्स एंड इनिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टमक. यस, बट HCl सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए नहीं यूज होता है. वी नो हमारे डाइजेशन में एक एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, दैट इज पेप्सिन. वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है एज पेप्सिनोजन. तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करने का काम ये HCl ही करता है. सो असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट ये रीजन नहीं करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. सो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट इट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चीविंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन डाइजेशन ऑफ एनिमल. इट हेल्प्स इन एंजाइम एक्शन. ओके, सी खाने को हम जितना ज्यादा चबाते हैं ना, उतने अच्छी तरीके से हमारा डाइजेशन होता है. तो तुम खाने को जितने अच्छे से चबाओगे, उतने छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूटेंगे, उतने अच्छे से एंजाइम्स उनके ऊपर काम करेंगे. बिकॉज जितना तुमने पार्ट्स किया है, उतना ज्यादा सर्फेस एरिया मिलेगा एंजाइम्स को काम करने के लिए. सो असर्शन भी ट्रू है एंड उसका रीजन भी सही है. सो इट इज ए. ओके, नेक्स्ट इज असर्शन. ट्रिप्सिन हेल्प्स इन ब्लड डाइजेशन ऑफ प्रीडेटर एनिमल. ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस. दोनों भी गलत है. सी, अब ये जो सैंगिवोरस एनिमल्स है, प्रीडेटर्स, जो ब्लड सक करते हैं, तो ब्लड में है ना एक प्रोटीन होता है, दैट इज फिब्रिनोजन. और प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन करने के लिए एंजाइम आता है पेप्सिन. तो फिब्रिनोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम चाहिए, उसके बाद ट्रिप्सिन आता है. इन लोगों ने पहले ही ट्रिप्सिन बोल दिया. तो दैट इज वाई असोशन भी गलत है एंड रीजन भी गलत. क्वेश्चन, द मेन पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. डेफिनेटली. सी, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में हो जाता है, बट पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है बाय सलाइवरी अमाइलेज. बाकी जो बचा हुआ डाइजेशन है वो हमारा इंटेस्टाइन में होता है. चलो, इसका रीजन क्या दिया? हियर पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू लैक्टोज. नो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में एंड नॉट लैक्टोज. सो ये गलत है. असर्शन सही है हमारा, रीजन गलत है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. सो आंसर इज सी फॉर दिस. चलो, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है मैच द कॉलम. सी, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ. मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस है ना, बड़ी आसानी से हो जाते हैं. अब यहाँ पे चार चीजें दी हुई है, राइट? तो मैच द कॉलम में आपको कोई दो चीज भी पता है ना, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन. कैसे? ऑप्शन एलिमिनेशन करके. ओके, सी, ऑप्शन एलिमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, एटलीस्ट दो चीजों पर आप परफेक्ट होने चाहिए. विल ट्राई दिस, लेट सी. तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और कौन सी जगह पे क्या काम हो रहा है? सो माउथ में क्या होता है? रिक्लेम वाटर एंड सॉल्ट. नो, सी, रिलीजेस अमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, राइट? माउथ में जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है ना इनटू डाइसैकेराइड. तो ए का मेरा करेक्ट पेयर क्या है? इट इज ए का थ्री. चलो हम देख लेते हैं. तो अगर आप देखो ना, मेरे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बिकॉज ऑप्शन बी में ही मेरे पास है ए का थ्री. तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, राइट? हम चेक कर लेते हैं एक बार बी में. तो ए का थ्री है, बी का फोर है. स्टमक में क्या होता है? एसिडिक कंपार्टमेंट. येस, ऑब्वियसली वहां HCl प्रेजेंट होता है. सी का टू, कैरीज आउट मोस्ट ऑफ डाइजेशन. येस, डेफिनेटली. डी का वन, लार्ज इंटेस्टाइन रिक्लेम्स वाटर एंड सॉल्ट. करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन जो हमें मिल गया है, दैट इज बी. ओके, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्या है? स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और उसका रिस्पेक्टिव एंजाइम के साथ हमें पेयरिंग करना है. स्टार्च का ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज चाहिए. एंड इफ यू सी, ए का पेयर इज थ्री. अगेन सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एंड आई हैव माई करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए. ओके, सो ए का थ्री है, बी का फोर, प्रोटीन का ब्रेक डाउन के लिए ट्रिप्सिन करेक्ट, सी का टू, फैट्स के लिए लाइपेज एग्जैक्टली, न्यूक्लिक एसिड करेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इस ए. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. क्वेश्चन, डाइजेस्टिव प्रोसेस दिया है एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हमें करेक्ट पेयर देखना है. इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड. तो कौन सा ऑप्शन है?
टेकिंग फूड इन टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ए का है थ्री। चलो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा माहिर है, राइट। ओके आई हैव माई ऑप्शन दैट इज सी, ए बी डी एलिमिनेट हो गया। चलो मैच कर लेते हैं, बी का फोर है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है? चीविंग मिक्सिंग। यस, मैकेनिकल डाइजेशन में हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और हम उसको चबा चबा के बड़े से छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, केमिकल्स रिलीज होता है, मतलब एंजाइम्स रिलीज होता है। डिफिकेशन का मतलब क्या है, जो भी खाना हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है आपको और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए करेक्ट पेयर कौन सा होगा हमारा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? नो, इट इज मोस्टली येस। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, हम मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। पोटैटो खा लिया, मतलब एनी रैंडम थिंग आप खाओ ना, तो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। एंड स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को तो ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, राइट। तो ए का थ्री है। चलो इधर अभी ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं लगाते, पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ए का थ्री है, राइट। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ते हैं बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन्स बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए एंड आरएनए ही होते हैं। सो हमारा डीएनए आरएनए किसका बना हुआ है, एक राइबोस शुगर का, या फिर अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें राइबोस शुगर होगा, डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, लिपिड्स जो है, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो सारे पेयर को हम मैच करें तो इट इज ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको कॉलम वन में एंजाइम दिया है और नेक्स्ट कॉलम में सबस्ट्रेट दिया है जिसपे वो काम करेगा। सो सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च का। बाइल सॉल्ट जो है, इट इज यूज फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए। लिपिड इज ऑल्सो अ फैट, राइट। सो सलाइवरी अमाइलेज था थ्री एंड बाइल सॉल्ट इज फोर। रेनिन जो है, मैंने बताया था बच्चों में ये रिलीज होता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है पेप्सिन, पेप्सिन इज प्रोटीन। सी अब ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो अडल्ट होते हैं उनमें भी मिल्क डाइजेशन करने के लिए पेप्सिन ही काम आता है, बट आपको स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन दिया है ना, इसीलिए ये रेनिन ऑप्शन है। सो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बाइल सलाइवरी अमाइलेज का थ्री है, राइट। तो एक आ थ्री है, सो एक आ थ्री। बी का क्या है, बी का फोर है, सी का टू है। सो हमारा ऑप्शन है ए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम वन को टू के साथ फिर से मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट इज हेपेटिक लोब्यूल। सी ये हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, ये बेसिकली लिवर कैप्स्यूल ही है। तो जो लिवर है ना, उसको अंदर और बाहर से दो टिश्यूज कवर कर रहे हैं। अंदर से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहा है जिसको हम एज अ ग्लिसन्स कैप्स्यूल भी बोलते हैं, एंड बाहर से है सेरस कनेक्टिव टिश्यू जो पेरिटोनियम से आके जुड़ जाता है। पेरिटोनियम एक कॉमन कवरिंग है जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है। सो हेपेटिक लोब्यूल इज बेसिकली लिवर कैप्स्यूल, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्स्यूल भी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा एरर है, इट इज नॉट ग्लिसन, इट इज ग्लिसन्स कैप्स्यूल। ओके, नेक्स्ट इज क्रिप्स ऑफ लिबरकून। अब ये क्रिप्स ऑफ लिबरकून क्या है, जब हम टीएस ऑफ इंटेस्टाइन देखेंगे ना, हमें काफी माइक्रोविलाइज दिखते रहे, तो ये माइक्रोविलाय एक माइक्रोविलाय, तो है ना एपिथेलियम टिश्यू ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, इनवैजिनेशन लोअर साइड है, जो लोअर साइड है ना हमारा विलाय का, दैट इज नोन एज क्रिप्स ऑफ लिबरकम। उसी क्रिप्स में है ना कुछ सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। सो इसका आंसर विल बी बेस ऑफ विलाय, बेस ऑफ विलाय पे ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडाय। स्पिंक्टर ऑफ ओडाय मैंने अभी बताया आपको, ये हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट पे लगा है जो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट इज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो है, इट इज प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर रीजन। ओके, जो आपका बाइल जो है वो ऊपर एक डक्ट होता है जहां से बाइल की सिक्रीशन लाई जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट। सो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हमें यहाँ पे है ना स्टमक के कुछ सेल्स दिए और कौन क्या रिलीज करता है वो दिया है. ओके, तो जो स्टमक का लाइन है ना, द लाइन ऑफ स्टमक, इट हैज सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का मतलब क्या है, जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं. तो वो स्टमक की लाइनिंग में है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है. एक दिया हुआ है नेक सेल. नेक सेल इज नथिंग टू डू विद दिस नेक. ओके, सो दैट नेक सेल है, पेप्टिक सेल है एंड ऑक्सेंटिक सेल है. तो ये स्टमक का जो रीजन है उसमें जो एक ग्लैंड है दैट इज नोन एज नेक सेल, दैट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. म्यूकस क्या करता है, अब हमारे स्टमक में HCl रिलीज होने वाला है, राइट, जिसकी वजह से हमारे स्टमक का पीएच जो है 2 to 3.4 तक जाता है. तो इतने ज्यादा एसिडिक कंडीशन में हमारे टिश्यूज बर्न हो सकते हैं, राइट. तो वो टिश्यूज बर्न ना हो उसको प्रिवेंट करने का काम ये म्यूकस करता है. फिर म्यूकस के बाद नेक्स्ट है पेप्टिक सेल. पेप्टिक सेल्स क्या करेगा, ये हेल्प करता है इन द रिलीज ऑफ सम इनएक्टिव एंजाइम, दैट इज पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन एसिडिक कंडीशन में एक्टिव हो जाता है पेप्सिन. नेक्स्ट इज पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल, ये रिलीज करवाता है HCl एंड ऑल अदर इंट्रेंसिक फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर डाइजेशन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए का टू म्यूकस, राइट. और पेप्टिक सेल का क्या है हमारा, पेप्सिनोजन. तो A का 2, B का 3. तो ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास ए है. तो 7 का आंसर इज ए. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन. अब क्रिटिकल टाइप जो होता है ना उसमें हमें हमारे कंसेप्ट्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है. तो इसमें काफी अच्छे अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस है, लेट्स सी दैट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. If pancreatic juice, which of the following are secreted in inactive form of proenzymes? ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज. एक्चुअली द क्वेश्चन हैज एरर बिकॉज हमें जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना वो सारे एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में, ये भी नो. ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है एंड काइमोट्रिप्सिन भी काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है. सो आई गेस द ऑप्शन शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्टिव फॉर्म. ओके, सो हमारा ऑप्शन ए होगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज. ओके, बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस की बात की ना, पेप्सिन तो होगा नहीं, पेप्सिन तो गैस्ट्रिक जूस से निकलता है. सो ऑप्शन ए है एंड इस क्वेश्चन को प्लीज करेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में कौन सा है, ये टाइपिंग एरर हो सकता है, इट्स ओके. चलो लेट्स सी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले. इफ बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट इज ब्लॉक्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड. ओके, तो सबसे पहले बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, ये मैंने बताया था, ये पाइप है जो सिक्रीशन कहाँ से लेकर आ रहा है, गॉल ब्लैडर से और पैनक्रिया से. गॉल ब्लैडर में क्या सिक्रीशन होता है, बाइल जूस. और बाइल जूस का क्या काम होता है, फॉर फैट का ब्रेक डाउन, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और पैनक्रिया से जो सिक्रीशन आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसे हम एक्टिव करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके, सो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि अगर ये पाइप ब्लॉक हो गया तो कौन सी चीज अफेक्ट नहीं होगी. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली अफेक्ट होगा बिकॉज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो है वही प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, तो वो तो आ ही नहीं रहा है. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये पाइप ब्लॉक हो गया तो क्या अफेक्ट नहीं होगा. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली अफेक्ट होगा बिकॉज प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन लगते हैं जो पैनक्रियास से ही आते हैं, राइट. तो ऑप्शन ए कट गया. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डेफिनेटली अफेक्टेड होगा बिकॉज फैट का ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस चाहिए. अब पाइप तो ब्लॉक कर दिया तो बी इज ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शन. लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ओके, डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए भी हमें एंजाइम चाहिए जो कि तुम्हारे पैनक्रियास से आने वाला है. तो ए बी डी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं. वी नो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है, राइट. और ये इंसुलिन जो है डेफिनेटली पैनक्रियास से निकलता है, लेकिन इंसुलिन इज अ हार्मोन. और हार्मोन को रिलीज करने के लिए हमें कोई पाइप सिस्टम की जरूरत नहीं है. जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो हार्मोन को सीधा ब्लड में पोर कर देता है. और जिस भी जगह से हार्मोन निकाला जाता है उसे बोला जाता है
एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते राइट तो तुम डक्ट तो तुमने बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक किया है तो देयर इज नथिंग टू डू विद द रिलीज ऑफ हार्मोन तो हार्मोन अपना नॉर्मली पैनक्रियास से निकलेगा और जो इंसुलिन है वो ब्लड का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको प्रॉपरली मेंटेन करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस. ओके तो बेसिकली ये है ना हमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिस्क्राइब करने की बात करें मतलब खाना तुमने खाया माउथ से इंजेशन से इजेशन तक का ये रास्ता पूछना चाह रहे. ओके सो माउथ से हमारा होता है इंजेशन तो माउथ आता है माउथ के बाद ये लॉन्ग ट्यूब आता है माउथ बकल कैविटी ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम कोलोन एंड एनस राइट. तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है. पहला है ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन. ओके सो आई गेस द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली ए इटसेल्फ इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन डियोडेनम. ओके तो डियोडेनम है क्या. स्टमक जो है खुलता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन राइट. तो स्टमक सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में खुल रहा है दैट इज नोन एज डियोडेनम. एंड प्लीज रिमेम्बर डियोडेनम में बाइल और पैनक्रियास से सिक्रीशन आता है एक साथ बाय अ पाइप कॉल बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट. ये काफी बार आ चुका है आई गेस आपको अब ये याद ही हो गया होगा. सो बेसिकली डियोडेनम में चलता है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस डाइजेशन का. वहां पे बाइल और पैनक्रियास के जूस मिक्स होते हैं तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं बी मिक्सिंग ऑफ फूड विद पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. ओके मास्टिकेशन ऑफ फूड जो हम ऑलरेडी बकल कैविटी में कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विटामिन मिनरल इन सब के लिए आज सच हमें कुछ खास डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है बिकॉज हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल व्हाट आर द ट्यूनिंग्स ऑफ इंट्रा पेरिटोनियल पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओके सो ये बेसिकली आपको है ना टीएस ऑफ इंटेस्टाइन की ही बात कर रहे हैं उसके लेयर्स पूछ रहे. ट्यूनिक्स का मतलब होता है लेयर. तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का टीएस देखेंगे अंदर से बाहर जाएंगे तो जो अंदर का लेयर है सबसे पहला म्यूकोजा उसके बाद सब म्यूकोजा फिर लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स फिर बाहर आउटर लेयर है सेरोसा. तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है. इट इज बी. ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ फॉर सम रीजन आर गॉबलेट सेल बिकम्स नॉन फंक्शनल देन दिस विल एडवर्सली अफेक्ट. सबसे पहले गॉबलेट सेल कहाँ पे होता है. जो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन है अगर आप देख रहे हो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन पे काफी क्वेश्चन आए हैं तो आई वुड रियली वॉन्ट आप एनसीईआरटी से वो फ्रेम को जो है वो फ्रेज को है अच्छे से पढ़ लीजिए. ओके सो यहाँ पे क्या बोला है गॉबलेट सेल जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है. तो गॉबलेट सेल प्रेजेंट कहाँ पे होता है. जो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन है उसके अंदर का रीजन इज नोन एज म्यूकोजा रीजन. उसी म्यूकोजा रीजन पे ना ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये गॉबलेट सेल क्या काम करते हैं. ये गॉबलेट सेल रिलीज करते हैं म्यूकस. अब ये म्यूकस क्या होता है ना खाने के साथ मिक्स हो जाता है और खाने को काफी ल्यूब्रिकेट कर देता है मतलब स्लिपरी और मॉइस्ट कर देता है ताकि खाना स्टमक से बाकी हिस्सों में अच्छे से पहुंच जाए राइट. तो अगर गॉबलेट सेल हमारा ब्लॉक्ड है या नॉन फंक्शनल है तो म्यूकस नहीं रिलीज होने वाला. अब म्यूकस नहीं रिलीज होगा तो खाना अच्छे से पास होगा नहीं राइट. और खाने को पास होगा वो बट प्रॉब्लम होगा. तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है. सी डी स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम. द डाइजेशन ऑफ बटर बिगिंस विद. अच्छा चलो बटर क्या है हमारा बेसिकली लिपिड ही है ना फैट है राइट. वो फैटी कंपोनेंट है तो बटर का डाइजेशन करना है मतलब तुम्हें फैट दैट इज लिपिड का ही डाइजेशन करना है. तो फैट या लिपिड के डाइजेशन के लिए हमारे पास एंजाइम होता है लाइपेज. अब ये लाइपेज दो जगह से निकलता है स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में भी होता है और पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है. सबसे पहले खाना तो स्टमक में आया है ना तो डाइजेशन पहले स्टमक में शुरू होगा राइट. तो यहाँ पे पूछा है बिगिंस विद तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा गैस्ट्रिक जूस. इवन पैनक्रियाटिक जूस इज करेक्ट बट शुरुआत तो स्टमक में हुई है ना डाइजेशन की तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर होगा हमारा गैस्ट्रिक जूस. ओके
चलो नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन वुड लीड टू. अच्छा तो तुमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया. गॉल ब्लैडर क्या है? इट इज स्मॉल टाइनी ग्रीन कलर ऑर्गन जस्ट बिलो द लिवर. राइट, लिवर में हमारा बन के आता है बाइल जूस. इस बाइल जूस को हम गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं. तो जब भी जरूरत पड़ती है बाइल जूस की फैट के ब्रेकडाउन के लिए, तो बाइल जूस को रिलीज करवाया जाता है बाय हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. राइट, तो यहाँ पे बोला है कि गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया है, तो लिवर जो बाइल बनाने वाला है अब उसको स्टोर करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है. राइट, तो दैट इज वाई फैट का ब्रेक डाउन जो है उसमें प्रॉब्लम होगा. तो वही आपको पूछा भी है ना कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो किसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, तो इम्पार्टमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ बाइल. बिकॉज वी नो लिवर जो है बाइल बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, बट सोर्स ही नहीं हमारे पास बाइल जूस का. लिवर डायरेक्टली बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पोर कर सकता, गॉल ब्लैडर ही करता है. गॉल ब्लैडर निकाल दिया है तो दैट इज वाई हमारा ऑप्शन है ए. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ज फास्टिंग. अच्छा मतलब कोई पर्सन है वो फास्ट पे है और यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर पूछा है. अब फास्ट पे है, खाना तो खा नहीं रहा है, और मैंने आपको बताया था अगर हम बाहर से कोई खाने का सोर्स नहीं खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो भी खाना स्टोर किया गया है उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है. ग्लूकोज को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट्स को फैटी एसिड्स के फॉर्म में, सो ऑन. राइट, तो जब भी तुम बॉडी के अंदर से खाने को निकालोगे और एनर्जी का सोर्स एनर्जी उससे रिलीज करवाओगे तो सबसे पहले किसका ब्रेक डाउन होता है? प्लीज रिमेम्बर, सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज जिसको हमने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया है. ओके, और सबसे आखिर में जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और बॉडी में सोर्स नहीं है एनर्जी का, तब जाके प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया जाता है. ओके, सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड अप फैट्स एंड ओके इट इज बी. ऑलराइट, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी कंसेप्ट बेस्ड एंड अच्छा क्वेश्चन है. अ हेल्दी पर्सन ईट्स फॉलोइंग डाइट 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर, 4 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, 10 ग्राम ऑफ प्योर बफेलो घी एंड 2 ग्राम ऑफ वेजिटेबल घी एंड 5 ग्राम ऑफ लिग्निन. हाउ मेनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट? ओके, सो सी सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स है उनके फिजियोलॉजिकल वैल्यूज क्या है, मतलब उनको खाने से हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है. तो ये मैंने बताया था आपको, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, दैट इज 4 कैलोरीज पर ग्राम. सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? फैट से, दैट इज 9 कैलोरीज पर ग्राम. राइट, तो इस पर्सन ने क्या क्या खाया है और इस ये खाने से उसको टोटल एनर्जी कितने मिलने वाली है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर खाया है, मतलब बेसिकली शुगर खाया है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट खाया है. तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 4 कैलोरीज पर ग्राम. राइट, तो ये 5 × 4 आपको करना है, आपके पास वैल्यू आएगा. ओके, नेक्स्ट है 10 ग्राम बफेलो घी अडल्ट्रेटेड विथ 2 ग्राम ऑफ वेजिटेबल घी, मतलब टोटल 12 ग्राम उसने घी खाया है. घी से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है. राइट, फैट हमें कितनी एनर्जी देता है? 9 कैलोरीज पर ग्राम. ओके, तो आपको ये 12 × 9 करना है, यू विल गेट सम वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? अगर आप देखें इसने 4 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन भी खाया है. ओके, तो 4 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज बेसिकली अ प्रोटीन, तो प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 कैलोरीज पर ग्राम. तो 4 × 4 कर लीजिए. अगर आप देखिए मैंने स्क्रीन पे कैलकुलेशन डिस्प्ले किया है, यू कैन चेक दैट. ओके, नेक्स्ट है 5 ग्राम ऑफ लिग्निन. अब लिग्निन जो है वो तो सेल्यूलोज मटेरियल है, जनरली प्लांट के सेल वॉल होते हैं लिग्निन मटेरियल. राइट, तो अब सिंस ये सेल्यूलोज है एंड वी नो ह्यूमन बॉडी जो है सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकती है बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स वो हमारे पास नहीं है. सेल्यूलेज ये एंजाइम किसके पास होता है? जनरली रूमिनेंट्स के पास होता है. ओके, सो लिग्निन इज आउट ऑफ ऑप्शन. तो ये सारा कैलकुलेशन जो है मैंने किया है, यू कैन सी मैंने स्क्रीन पे कैलकुलेशन डिस्प्ले किया है. तो आफ्टर एवरी कैलकुलेशन हमें क्या आंसर आ रहा है? 144 कैलोरीज. ऑल राइट,
Okay, let's come to the last question. If pH of stomach is 7, then which component of food would be affected? Okay, तो ये question में क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर मैंने stomach of pH जो है, उसको 7 रख दिया, 7 pH का मतलब क्या है? Neutral pH, and we know stomach काफी acidic condition में होता है. Stomach का जो pH है, वो generally 1.5 से 3.4 के बीच में होता है. Even that is too much acidic, right? तो स्टमक में ये हमें एसिडिक कंडीशन क्यों चाहिए? बिकॉज एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में ही रिलीज होता है, दैट इज पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन को उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम पेप्सिन, एंड पेप्सिन जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है, इसीलिए हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए. ओके, और दूसरा एसिडिक कंडीशन का क्या एडवांटेज है? खाने में लेट से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एसिडिक कंडीशन में किल कर दिया जाता है. सो ये क्वेश्चन में ये बेसिकली पूछ रहे पीएच 7 रख दिया है, मतलब न्यूट्रल रख दिया है, तो किसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली प्रोटीन. वाई? बिकॉज पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, राइट? इफ पेप्सिन ही नहीं कन्वर्ट हुआ तो जो इनिशियल स्टेप है प्रोटीन डाइजेशन का वही नहीं हो रहा है, सो द फूड विच वुड गेट अफेक्टेड इज प्रोटीन. ओके, सो वी आर फाइनली डन विथ ऑल क्वेश्चंस ऑफ डाइजेशन. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट क्या, आई हैव कवर्ड एवरी पॉसिबल थिंग. सो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करें. आई विल कम अप विद द नेक्स्ट सेशन सून. ओके, सी यू, बाय.